Private Limited, I would like to welcome you all to our live session. In this series of live sessions, we will talk about different skin and cosmetology related topics. And we will invite renowned consultants to ask them different questions on these topics. Aaj ke session ko arrange karne ka maksad skin whitening ke baare mein baat karna hai, which I believe has always been a trending topic among masses. और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन नॉलेज नहीं हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात में भी ये टॉपिक काफ़ी मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। आज के इस सेशन में वी विल टॉक अबाउट द वेरियस स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स एज वेल एज द सेफेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं one of the leading and renowned consultant dermatologists of Pakistan, Dr. Ali Kazmi. Dr. Ali Kazmi graduated from King Edward Medical College and did his post-graduation from St. John's Institute of Dermatology, London. Thank you, sir, for joining us today. It's a pleasure to have you here with us. Thank you. In fact, thank you very much for inviting me, and definitely I would like to thank Sante and for inviting on this forum. And moreover, the most important, my thanks should be for Mr. Toki, the director of the company. My thanks is in the sense that it was first time, it was amazing for me. मेरे बहुत हैरानगी की बात थी कि तौकीर साहब ने बोला कि आपने हमारी कंपनी की किसी दवाई का नाम लेना, ये मेरे लिए बड़ी हैरान की थी। मतलब जिस हम फोरम पे जाएं सबसे पहले वो कहते हैं कि सारे नाम आपने हमारे लिए लिखवाए होंगे, तो दिस माशाल्लाह बहुत अच्छा एक जेस्चर उनका कि सेट के नहीं जी, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, हम अपनी शोबाजी के लिए किसी एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो दिस इज आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर कॉकी कि भाई ही इज सो नाइस, उन्होंने इस चीज़ के लिए किया कि उन्होंने कहा बिल्कुल आप बताएं लोगों को, इन्फॉर्मेशन दें, और आज जितना भी हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज अबाउट वाइटनिंग जस्ट आज समझ लें, हम सारे इफ्स एंड बट्स ऑल द माइंड्स में जितने क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह आज हम लोगों के क्लियर कर दें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। दैट्स ग्रेट सर। अच्छा यहाँ मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर अली काजमी क्लिनिक एड्रेस इज क्लिनिक नेम इज अली हसनैन काजमी क्लिनिक। दिस क्लिनिक एड्रेस इज 130A मॉडल टाउन लाहौर। The clinic information and number of appointment is shown in the ticker below. Sir, before we move on to our questions, अगर हम skin whitening की बात करें तो overall skin whitening का क्या perspective है आपका? देखिए अगर मैं in general अगर आपको बताऊं whitening, कितना whitening गोरा होना, तो ये दो गलत लफ्ज हैं। मैं कभी भी इन पे believe नहीं करता इन अल्फाज के ऊपर। There is no word whitening or no word gora in our skin. अगर जो कहते हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपका गोरा कर देंगे, वाइटनिंग कर देगा, ये कतई भी ऐसी बात नहीं है। और यही चीज़ आज मैं क्लियर करने आई हूँ लोगों के अंदर कि क्या है लफ्ज़, क्या होना चाहिए कि हम आपको बेटर कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, आपका कम्प्लेक्शन बेहतर हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा, एवरीथिंग विल इम्प्रूव अलॉट, रादर देन हम उनको झूठे सारा बता रहे हैं कि भी आपका हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिसके अंदर मैं इन जनरल बताना चाहूँगा कि वाइटनिंग के अंदर तीन चीज़ें चल रही हैं, तीन मेजरली फिर हम वन बाय वन चलेंगे। एक है मार्केट क्रीम्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर अगर आप देखें मार्केट के अंदर जाएं तो भरी हुई है मार्केट उसके अंदर। एक वो क्रीम्स हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं उन क्रीम्स के लगाने के, बच्चियाँ करती हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों लगा रहे हैं, हमें आपको बताते हैं कि हमने मार्केट से ये क्रीम ली वो, मगर आई वॉज शॉक वेन आई वेंट टू ए बिग स्टोर और मैंने वहाँ से 20-25 मार्केटेड क्रीम्स को और मैंने कहा मैं लीफलेट्स पढ़ूँ कि इसमें डला क्या हुआ है। अमेजिंगली मेरे लिए मैं हैरान था, किसी क्रीम के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोकोनोन है, आबुटीन है या मैक्स है, जो भी केमिकल्स होते हैं जो वाइटनिंग के लिए, एक चीज़ भी नहीं डली। इट मीन्स खुदा खासा उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो वाइट भी कर रही है और अल्टीमेटली वो पॉइजनस बन सकती है स्किन के लिए, जिसमें मर्करी भी हो सकता है, स्टीवर्ड्स भी हो सकते हैं। वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मरीज को, वो कहेंगे मेरा रंग बड़ा, मगर अल्टीमेटली बाल निकल आएंगे चेहरे के, जब ये फिर धुआं आ जाएगा, स्किन की ब्लड वेसल्स इनवॉल्व हो जाएंगी, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे पहला मेरा मैसेज ये है कि जी वाइटनिंग के अंदर आपने बाजार से कोई चीज़ नहीं उठानी, मार्केटेड ये जितनी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर आती हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
और यही बताना चाहूँगा कि जो तीन दवाइयों का मिक्सचर है, जो तीन, अब हम इतना खुल के दोनों में कितना बता सकते हैं इसके ऊपर फोरम पे, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि जो तीन दवाइयाँ बच्चियाँ मिक्स करके बनती हैं या ब्यूटी पार्लर्स पे जो अवेलेबल है, प्लीज़ काइंडली वो तो बिल्कुल ना करें, उनमें ये सब कुछ डाला होता है जो मैंने जिक्र किया है, मर्करी, स्टीरॉयड या और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं हार्मफुल फॉर द स्किन। एक तो ये, सेकेंड कौन सी चीज़ है तो जो वाइटनिंग के अंदर आती है, ये तो मार्केट बताई, अब आई तो डॉक्टर्स के हाथ में आती है। अब वो चीज़ें हैं, सेकेंड वो हैं कि जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, मैं अपने प्रोसीजर्स से बाद में बताऊंगा, मगर जो मार्केटिंग के प्रोसीजर्स इस वक्त सारे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेजर्स किए जा रहे हैं, इसके अंदर पीलिंग की जा रही है, ब्लीचिंग की जा रही है, इसमें चेहरे पे इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं जिसको मेसोथेरेपीज कहा जाता है, इसके अंदर माइक्रोडर्म एब्रेशंस किए जा रहे हैं, हाइड्रा फेशियल किए जा रहे हैं, डर्मा रोलर किया जा रहा है, डर्मा पेंस किया, ये मैं बता रहा हूँ कि जो कह के वो ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये प्रोसीजर्स हैं, मगर कह के ये कहा जाता है कि हम आपके ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिसके लिए आप ये बस हमसे करा लें और आपका रंग गोरा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, जो कि आगे हम प्रोग्राम में चल के इसकी डिटेल्स में बताऊँगा कि कितना इसमें गलत सही कि कितना झूठ है हमारा। मैं अपने पे ले आता हूँ कि मेरा, अगर मैं किसी मरीज को कहूँगा तो मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ उसके साथ ये बात करने में। तो सेकंड चीज़ आई जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स मार्केट के अंदर हैं, ब्यूटी पार्लर्स पे हो रहे हैं, फेशियल्स हो रहे हैं, गोल्ड फेशियल, ये वो सारा, ये वो चीज़ें हैं कि जो मार्केटेड हैं, जिनका अफेक्ट आप समझें निग्लिजिबल अफेक्ट है इन चीज़ों का, वक्ती तौर पर सफाई है, उसके बाद कुछ नहीं। मगर अब मैं तीसरी चीज़ की तरफ आता हूँ, वो फाइनली वो चीज़ है जिसका अफेक्ट है, यानी कि जिसके अफेक्ट से मुरा बाइकिंग नहीं, मैं बोल रहा मैं तो बुरे होने की बात नहीं कर रहा, जिसमें मैंने स्टार्ट से कहा था इम्प्रूव, बेटर, बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर मैं कहता हूँ फार्मास्यूटिकल, जो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जितनी भी हमारी आई हैं और जो जो प्रोडक्ट्स लेके आई हैं, उनकी जो मेडिकेटेड दवाइयाँ हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं, जिसमें वो चीज़ें डली हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अल्फा आर्बुटिन है, लाइकोराइस है, मैप है, नाइसिनमाइड है, कुजिक एसिड है, हाइड्रोक्विनोन है, सैप है, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं कि जो मैं बता सकती हूँ, केमिकल्स हैं, ये सब प्रूवन है बाय द FDA। उन्होंने कहा ठीक है ये एक सर्टन क्वान्टिटीज के हिसाब से डाल सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा ताकि लोग बोर ना हो जाएं, सिर्फ ये बताना चाहूँगा ये जितनी दवाइयाँ हैं ना ये सब हैं टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। अब टायरोसिनेज इनहिबिटर क्या होता है, ये वाहिद एक चीज़ है टायरोसिनेज इनहिबिटर कि जो कि सिस्टम जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिससे पिगमेंटेशन प्रोड्यूस होनी है ये उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो क्रीम्स हैं, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल क्रीम्स जो कंपनीज लेके आती हैं, वो वाली जो करती हैं वो उसको रोक देती है प्रोसेस को। जब प्रोसेस रुकेगा तो आपका इतनी जल्दी पिगमेंट डेवलप जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि पिगमेंट जो प्रोड्यूस होता है एक अननोन रीजन से होता है, एटियोलॉजी नॉट नोन, इट इज इट पैथोलॉजी इसकी पता नहीं होती है, ये रीजन इसका नहीं आता है इसके अंदर कि भाई क्या एडियोपैथिक इसको हम कहते हैं सर्टन टाइम कि जो पिगमेंट आ गया या रंग गोरा करने के लिए कर। ये चंद चीज़ें थी जो मैं अपने इंट्रो में बताना चाह रहा था कि जी ये वो चीज़ें हैं जो इफेक्टिविटी भी हैं, कुछ हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ हैं जो डॉक्टर्स कर रहे हैं जिनका इफेक्ट भी नहीं है और बहुत पैसे कमाए जा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के भी क्वेश्चंस या आपका अपना कोई क्वेश्चंस है ताकि हम प्रॉपरली स्टार्ट करें बताना, लोगों को क्लैरिटीज लेके आए कि भाई ये क्या है वाइटनिंग, कौन सी मार्केटेड में क्या क्या, ये रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस या और जो पीने की भी अब तो सिरप्स हैं, ये पी लें, वो कर लें, इतना कुछ है कि आप हैरान हो जाओगे कि जब हम आज जब डिस्कस करेंगे लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई कि बाकी कितने इसमें झूठ बोला जाता है लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगा मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँ ताकि आज हम एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को करें और सच बोलें और सच्चे होके चलें। और ऑनेस्टी, मेरी बिफोर यू आस्क मी क्वेश्चन मैं कहूँगा ऑनेस्टी से चलो, अल्लाह बरकत डालता है। ऑनेस्टी वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला आपके हाथ में शफा देगा, बरकत डालेगा आपकी उस चीज़ के अंदर। चार पैसे तुम कमा लेंगे कोई झूठ बोल के, मगर आपके हाथ से शफा निकल जाएगी, ऑनेस्टी चली जाएगी। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं पहले देना चाहूँगा, चाहे एंड इंपॉर्टेंट मैसेज, हम सब डॉक्टर को मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए मरीज के साथ, पता है। और ये सुन लें, हर डॉक्टर को पता है कि मेरी जो दवाई दे रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट है या नहीं है, कितने मैं लाखों रुपए ले लूँ, मुझे इनवर्डली पता है। तो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट?
Now you can ask me any question. That's great, sir. अच्छा सर, बिफोर वी मूव ऑन, मैं चाहती थी कि आपने क्लिनिक के हवाले से थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को कि वहाँ पे क्या सर्विसेज मौजूद हैं और क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि वहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं. जी, इनफैक्ट मैं इनफैक्ट प्रोसीजर्स में ये होगा कि मैं जितने भी करता हूँ, अगर मुझे कोई प्रोसीजर नहीं फील होता कि रिजल्ट दे रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसमें उस प्रोसीजर को नहीं करता. ट्राई करता हूँ मरीज पे, कोशिश होती है कि दे देखें जो रिजल्ट, देन पेशेंट इज जज, जो आपके आपको बताएगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स के अंदर लेजर, आई एम डूइंग लेजर, आई एम डूइंग माइक्रोडर्मेब्रेशन, आई एम डूइंग हाइड्रोफेशियल्स, आई एम डूइंग मेसोथेरेपीज जिस समय बता रहा था, आई एम डूइंग टर्मा रोलर, आई एम डूइंग टर्मा पेन, आई एम डूइंग इंटरनेशनल इंजेक्शंस, ये मैं सारे करता हूँ. मगर एक यहाँ पर बिफोर आप बात करें, मैं बताना चाहूँगा ये जितने प्रोसीजर्स हैं, मैं पहले दिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगूँ अपने जो मेरे दोस्त डॉक्टर भाई हैं, जो मेरी कॉलीग्स हैं फीमेल्स, मैं उनको बताना चाहूँगा प्लीज़ इस चीज़ को अपनाएं कि मैं पहले दिन अपने मरीज को बिल्कुल कहते हैं ना कि 100% उनको बता देता हूँ कि आपका इफेक्ट कितना आएगा. मैं आप पे हाइड्रोफेशियल कर रहा हूँ, मैं आप पे डमारोलर कर रहा हूँ, मैं मेसोथेरेपी कर रहा हूँ आपकी किसी चीज़ के लिए, पिगमेंटेशन के लिए. तो मुझे पता है हर डॉक्टर को, मुझे क्या हर डॉक्टर को पता है इसका रिजल्ट कितने परसेंट आना है. आप पहले दिन मरीज को बताएं कि जी जो मैं इंजेक्शन लगाने लगाऊँ या मेरे जो आपके चेहरे पे जो भी कैम फील करनी है, फेशियल करना है, उसका कितने परसेंट रिजल्ट और कितने दिन रहेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने परसेंट और कितने दिन वो रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको बतानी चाहिए कि भाई इस जो मेरा प्रोसीजर्स है, और भी प्रोसीजर्स हैं, करते हैं लोग करते हैं, मतलब कोई मुझे ये नहीं बताता कि इसके अंदर कितनी देर इसका रिजल्ट रहेगा, ये कब खत्म हो जाएगा. कुछ चीज़ें हैं समझे चंद दिन के लिए हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जब मैं हाइड्रोफिशियल करता हूँ तो मैं मरीज को कभी नहीं कहता कि ये प्रोसीजर आपके किसी डिजीज के लिए है, ये प्रोसीजर किसी पिगमेंटेशन के लिए नहीं है, किसी एंटी रिंकल के लिए नहीं है. ये क्या करेगा इस हाइड्रोफेशियल ने, क्या करा आजकल बहुत कॉमन है, लोग पसंद करना चाह रहे हैं, पूछना भी चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाइड्रोफेशियल जो है ये वो चीज़ है कि जो आपकी स्किन को नीट कर देगा पक्की तौर पर, आपकी डेड सेल, डेड स्किन, डेड टिश्यू ऑफ द स्किन, तो जो आपका डेड टिश्यू सेल्स है उनको कर देगा, आपके चेहरे पर एक नीटनेस आ जाएगी जो पक्की तौर के लिए, फिर दवाई का इफेक्ट अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर. इसने ये करना, इसने कोई गोरा नहीं करना, इसने कोई एंटी रिंकल काम नहीं करना किसी चीज़ के लिए नहीं. तो ये एक मिसाल मैंने दी है कि जो प्रोसीजर करें काइंडली हमें पता है, हर डॉक्टर को पता है, पहले दिन बताएं इसका कितना इफेक्ट, कितनी देर चलेगा. बोटॉक्स कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं, सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि बोटॉक्स और फिलर्स ये मैं करता हूँ. और पहले दिन मरीज को बताता हूँ कि जी 3 से 4 महीने मैक्सिमम बोटॉक्स चलता है, और फिलर जो होते हैं ये समझ ले 8 महीने के अराउंड फिलर चलता है, 7-8 महीने फिलर चलता है. तो ये जब आप पहले दिन बताते हैं तो आप क्लियर हो जाते हैं आपके पेशेंट से. लेजर के अंदर भी सच बोलना आपको लेजर में कि कितने बाल आपके जाएंगे, कितने, अब तो हर चीज़ के लिए लेजर आ गया, अब तो ये एक और चीज़ चल पड़ी है हर काम के लिए. आप कहेंगे कि आपको गलती से छींक आ जाए तो आप कहेंगे मैं इस छींक के लिए भी लेजर करूँगा. तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताने, बाल नहीं जाने आपके, सारी जिंदगी रहेंगे, हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे. और हल्के मुंह पे लेजर नहीं किया जाता, वाइट बाल पे लेजर नहीं होता. पहले दिन आप गाइड कर दो ताकि मरीज आपके सर पे चढ़ेगा कि देखिए मेरे तो 10-12 सेटिंग होगी, मेरे बाल आप भी आपने तो पहले दिन बता दिया सारा कुछ उनको. तो इसलिए आपको फर्स्ट डे यू टेल योर पेशेंट्स ऑनेस्टली ये हो सकता है ये नहीं. अब मरीज की मर्जी वो ना कराए, मरीज गो अवे, नो वरीज, मगर आप सच्चे हो गए, अल्लाह ताला के सामने आप क्लियर हो गए कि मैंने अपने मरीज से झूठ बोल के ये पैसे नहीं लिए, ये मेरे हक हलाल के पैसे हैं जो मैं उससे ले रहा हूँ. आगे रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में शफा मिल जाने वाला होता है. अच्छा सर, आई हैव कम टू नो के जो लेजर हेयर रिमूवल है, यू आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू स्टार्ट दिस, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी, इस तरह था कि उसमें ना 99 में, इट वॉज प्रॉब्ली आई थिंक वे बैक इन सेप्टेम्बर 99, मी एंड डॉक्टर तारिक रशीद, हम ताकि गलत ना हो जाए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाहौर में लेजर, तो उस पर तब हेयर रिमूविंग लेजर की हम बात कर रहे हैं. तो इसलिए उसमें लाइक अब अबाउट प्रॉब्ली आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स हो गए उनको भी, डॉक्टर साहब मुझे भी करते हुए, तो इसलिए मोर देन 20 ईयर्स बीन देयर नाउ सिंस वी आर डूइंग लेजर. और अब तो हेयर रिमूविंग का अब तो इतना पता चल गया इस चीज़ के बारे में कि हम पहले दिन मरीज को एक एक चीज़ बता देते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता.
इसलिए आप बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन. अच्छा सर, अब अपने क्वेश्चंस पे जरा अगर हम लोग आए तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू कम अक्रॉस पेशेंट्स जो कि आपसे स्किन वाइटनिंग के बारे में इंक्वायर करते हैं, और वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? इसका आंसर मैं इसमें देना चाहूंगा कि जब पेशेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज को अगर पाँव के नाखून की कोई तकलीफ है, फंगस है समझे पाँव में, और वो मेरे पास है पाँव का नाखून दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब ये मेरे पाँव का नाखून आपको दिखाना है, ठीक है पाँव का, वो मैं देखा और उठते उठते उसकी वालदा ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जरा गोरा होने के लिए इसको एक ट्यूब लिख देना, हालांकि आए वो मेरे पास सोराइसिस के लिए, लाइक इन टेनिस के लिए, हेयर फॉल के लिए और किसी डिजीज के लिए. वालदा ने उठते उठते कहने के डॉक्टर ये कोई आपके पास दवाई है रंग गोरा करने वाली इस तरह की. तो इसलिए फ्रीक्वेंट आते हैं कि मैं कहूँगा शायद 100% में से 90% पेशेंट, और ये मेल्स का भी है, मेल भी आके मैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब जरा हम तो, क्योंकि मेल ज़्यादा क्यों खाएगा, मेल इसलिए खाएगा कि मेल ने ज़्यादा बाहर निकलना है, धूपों में निकलना है, रंग ख़राब होने हैं, कुछ ज़्यादा होने हैं, सन ब्लॉक के इस्तेमाल नहीं होने करने, इसे वो भी खाएंगे, मगर ज़्यादा नेचुरली फीमेल ज़्यादा चाहेंगी, यंग बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादा चाहेंगी, नेचुरली शादी होनी होती है, कितना भी गोरा पान हो, एक हल्की सी भी चेहरे पे तिली हो या कोई थोड़ा सा निशान हो, वो कहेंगे नहीं जी इसको भी खत्म करें और हमारे रंग और जितना मैक्सिमम गोरा कर सकते हैं वो करें. इसलिए आप समझ लें 90% लोग अपनी खाली गोरे के लिए तो आते हैं, मगर जो दूसरी बीमारियों के लिए आते हैं वो साथ ही भी कहते हैं कि जी हमारा आप ये भी करते हैं साथ में रंग गोरा करने के लिए पूछते हैं. अच्छा सर, स्किन वाइटनिंग के हवाले से थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरह से जो ये प्रोसेस होता है वो अमल में आता है? हाँ जी. अच्छा, अब वाइटनिंग आप सुन रहे हो, फिर हम कहेंगे वाइटनिंग हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें इसको बोलना चाहिए लाइटनिंग ऑफ द स्किन, बेहतर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्किन, ग्लो ऑफ द स्किन. उसके लिए अब आपके लिए हमारे पास डिफरेंट क्रीम्स हैं. बिल्कुल, ये जिस मैंने आपको स्टार्ट लिया कि जो केमिकल्स हैं, जो मार्केटेड केमिकल्स हैं, जो FDA के अप्रूव्ड हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डालती हैं, जिसमें आर्बुटिन है, लाइकोराइस है, नाइसिनामाइड है, कोजिक एसिड है, मैप है, सैप है, उसमें हाइड्रोक्विनोन है, सर्टेन क्वांटिटीज में डलता है, तो और भी काफ़ी केमिकल्स हैं. अच्छा, ये वो केमिकल्स हैं जो कि क्रीम्स में डले होते हैं विदाउट एनी स्टीरॉयड, विदाउट एनी मर्क्यूरी. याद रखें जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये कभी स्टीरॉयड और मर्क्यूरी नहीं डालती, एक क्वांटिटी अलाउड है इनको भी, एक कह लें बिल्कुल एक पॉइंट्स में निग्लिजिबल अमाउंट है कि जो अलाउ है, जो FDA अप्रूव करता है, वो सिर्फ आप उतनी बिल्कुल से छोटा कर सकते, अदरवाइज आप कुछ ऐसी चीज, कोई पॉइजनस मटेरियल नहीं डाल सकते. ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जितने केमिकल्स, ये अगर क्रीम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन के साथ डले हुए हैं, किसी में मैप है तो 5% है, किसी में सैप है तो और है, या हाइड्रोक्विनोन 2% है, या 1.5% है, तो अगर इसके कॉम्बिनेशन डिफरेंट इस वक्त मार्केट में है थ्रू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये वो दवाइयाँ हैं कि जो रंग को आपका बेहतर करेंगी, इम्प्रूव करेंगी. लाइक मरीज में कहता हूँ बिल्कुल आपको हम देंगे दवाई, रात को सोते वक्त की क्रीम है पूरे चेहरे पे आप इसको लगाएं, टेल योर नेक, ताकि नेक लाइन भी आपकी ये नो अलहदा उससे हो जाए, बैक ऑफ द हैंड्स को भी आप इसको लगाएं ताकि हाथ भी आपके रहे. ये चीज़ें क्या होगा, और ये भी याद रखें इसमें फौरी तौर पर नहीं कुछ करना, क्योंकि इसमें तो वो पॉलिशस मटेरियल ही नहीं डले हुए, ना इसमें मर्क्यूरी है, ना कुछ स्टीरॉयड है सच ऐसा है इन क्वान्टिटीज में. तो इसके अंदर जो चीज़ें देनी है ये एक बहुत स्लो इफेक्ट देती है, इफेक्ट आएगा, हो सकता है 4 से 6 महीने लगे इसके इफेक्ट आने में, मगर एक बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपको, एक ग्रोइंग ऑफ द फेस, एक जो पिगमेंटेशन छोटे छोटे चेहरे पे अगर हल्के हल्के निशान दाग धब्बे हैं वो आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, स्किन पर ग्लो आने शुरू हो जाएगी, नीटनेस आनी शुरू हो जाएगी, स्किन आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी, आपका एक सब कुछ एक जल्दी एक बहुत अच्छा कम्प्लेक्शन इंसान का होना शुरू हो जाएगा. जो बच्चियाँ या लोग जरा थोड़े व्हीटिश हैं, थोड़े डार्किश हैं, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं टाइप फोर स्किन है जो डार्किश थोड़ी सी जरा होती है, वो उसके गंदमी रंग जिसको कहा जाता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. वर्ड है इम्प्रूव, बोला नहीं, इम्प्रूव किया जा सकता है विद ऑल फार्मास्यूटिकल क्रीम्स. उसके अंदर लेटेस्ट और भी आ रहे हैं केमिकल्स आ रहे हैं, हमें जो लेटेस्ट कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल आ रहे हैं, टेंजरिक एसिड वगैरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है. सबसे पहली बात है आप अगर खाने को हल्की आंच पर बनाएंगे तो हमेशा खाना बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, तेज आँच कर देंगे तो खाना ख़राब हो सकता है. इसे मैं हमेशा मरीज को कहता हूँ हल्की आँच पर आहिस्ता हल्का इलाज चलाएं,
चार छह महीने करें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं. लाइक ओकेजनल कभी लगाई क्रीम, कभी छोड़ी, फिर लगा ली दो वीक में दो से तीन दफा, एक दिन स्किप किया, फिर लगा लिया इस तरह कर लिया. मगर अब आपका क्या है, आप समझे तीन चार महीने की मेहनत आपकी चंद घंटों के अंदर बड़ा फर्क हो सकता है, बर्बाद हो सकती है. वो कैसे, अगर आप एहतियात नहीं करते. इसमें आपका एहतियात इज वेरी इंपॉर्टेंट. एहतियात किस चीज़ की, सबसे इंपॉर्टेंट है धूप की एहतियात. अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है और आप सनब्लॉक के बगैर धूप में जा रहे हैं, अगर सनब्लॉक के बगैर जा रहे हैं तो जितनी मेहनत है आपकी ये चार छः महीने की, आप चंद घंटों के अंदर अपना बेड़ा गर्क करके आ जाएंगे. इससे सनब्लॉक सुबह के टाइम वो अकॉर्डिंग टू द स्किन होता है, इंसान की कौन सी स्किन है. एक ऑप्टिमम 60 SPF 60 होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए. आजकल के मौसम के हिसाब से चार पाँच घंटे एक सनब्लॉक चलता है, उसको खत्म हो जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है सनब्लॉक आपको. तो इसलिए आपको ये मेजर साथ ले रहे हैं. आप अगर मेजर्स नहीं लेंगे कोई फायदा नहीं ट्रीटमेंट का, आप फिर जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे. आप जहाँ से शुरू होते हैं जितनी मेहनत की चार छः महीने आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर आप एहतियात नहीं अपनी करेंगे. तो इससे कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है. आप एहतियात करें तो एक बार इलाज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा सर, जैसे कि आपने बात करी कि कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड हैं, जो कि ओवर द काउंटर बेसिकली जो अवेलेबल हैं, तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन. इस सेंस में कि मैं चाहूँगा यहाँ लोग अपनी अपने जरा जो अल्लाह ताला ने माइंड में मेमोरी दी है उसको जरा ओपन कर लें, ताकि उसमें दो चीजें जैसे मैंने बताया जो डेली होती है, एक है मर्करी और एक है स्टीवर. अब इन दोनों के साइड इफेक्ट, इन दोनों ने क्या करना है, रंग गोरा करना है. बिल्कुल ये रंग को समझ लें, आम जबान में काटते हैं रंग को, ये रंग को खत्म करते हैं, आपके गोरेपन की तरफ लेके आते हैं. पर इसके मर्करी के साइड इफेक्ट तो ये हैं जो कि बड़े हैजर्डस हो सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है. आप जो स्किन पे चीज लगाते हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही है, ये बात आप याद रखें. स्किन पे नहीं रह रही, स्किन के अंदर नालियां खून की चल रही है, इसके अंदर जहाँ से एब्जॉर्ब होकर सब कुछ हमारे ब्लड के अंदर चल जाना है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मर्करी ने क्या करना है, ये आपके मेमोरी लॉस करता है सबसे ज्यादा. आप देखिए किसी ने छः महीने बिल्कुल मर्करी की दवाई जिस पर डाला था, छः महीने क्या मर्करी ने आपके मेमोरी लॉस किया आपकी, उसके साथ किडनीज के ऊपर इसका बैड इफेक्ट जाता है मर्करी का, वेरी बैड इफेक्ट. इट्स ए हैवी मेटल, मर्करी को हैवी मेटल्स के अंदर लेके आते हैं. तो क्या होगा, आपकी मेमोरी लॉस हुई, किडनीज हुई, बाकी ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड में हर चीज आपके लिवर के थ्रू जा रही है, इट कैन डैमेज द लिवर ऑल्सो. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि जब आप ज्यादा करोगे तो खुदा ना खासा चार छः महीने बाद आपको इसके बैड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. ये तो हो गया जो एक दो चीज़ें मर्करी. अब जो असल उसमें खराबी जो बहुत ज्यादा है, बच्चियाँ भी स्टीरॉइड्स डालती हैं. स्टीरॉइड से मुराद मैं खुल के बात करना चाहूँगा, वो बेड टू बेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है इन चीज़ों के अंदर, या तो मिक्स दवाइयों के अंदर या स्टीरॉइड वैसे डाला जाता है जो मार्केटेड की दवाइयाँ आप जैसा पूछेंगे. अब उसका बैड इफेक्ट क्या है, सबसे पहले रंग तो गोरा हो गया. अब बच्ची ने क्या किया, कहने आसमान से गिर के खजूर में अटक गए और उसमें क्या होगा, पूरे चेहरे पे बाल आ जाएंगे. विद इन फ्यू मंथ्स रंग का गोरा करते करते चेहरे पे बाल आ गए. एक तो पहला प्रॉब्लम सबसे बड़ा, मर्दों की तरह दाढ़ी, जिस तरह हम लोगों की शेव है दाढ़ी, हम दाढ़ी शेव कर, वो उन लड़कियों के अंदर वो आ जाएगा. स्किन खून की नालियां उभरनी शुरू हो जाएंगी, ऊपर बारीक बारीक खून की नालियां उभरनी शुरू हो जाएंगी, जिल्द पतली होनी शुरू हो जाएगी, बारीक जिल्द होनी शुरू हो जाएगी. ये तो मैं स्किन केयर के वक्त आपको बता रहा हूँ. उस पर आपको हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन डार्कनेस की तरफ भी जा सकती है, लाइट आपकी फुल वेरी सॉर्ट ऑफ निशान भी बन सकते हैं, दोनों तरफ स्किन जा सकती है. इसलिए इतना स्किन के ऊपर इसके इतने बैड इफेक्ट्स हैं. फिर जो सब कुछ मैंने बोला कि एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, जब खून में आपका स्टीरॉइड जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल्स, आपकी किडनीज, आपके जो पैंक्रियास, आपके जितने ये चीज़ें हैं आपने सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर. अल्टीमेटली जब इतना एक्सेस हो जाएगी बॉडी के अंदर आपका स्टीरॉइड एंड मर्करी, इसलिए सबसे बैड इफेक्ट्स अगर मैं कहूँगा तो यही हैं. और इरिवर्सिबल कभी कभार इफेक्ट्स हो जाते हैं इन चीज़ों के, कि फिर रिवर्स नहीं होते. आपकी बॉडी के अंदर स्टीरॉइड का इतना ज़्यादा हो जाता है आंसर कि आप उसको रिवर्स ही नहीं कर सकते, डॉक्टर के भी हाथ बंधे हो जाते हैं उसके अंदर. इसलिए आप अवॉइड करें मार्केटेड क्रीम्स, तीन क्रीम्स का मिक्सचर है वो अवॉइड करें. सिर्फ करनी है तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सब आपको एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी की पेटेंट क्रीम्स जो होती हैं वो देंगे, वो आप लगाएं, उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका कम्प्लेक्शन और सारा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा.
सर मैं ऐसे इसी तरफ आ रही थी कि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में ही काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यू नो इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल किया होगा, उनकी स्किन जो है बहुत डैमेज हो गई है, तो उन ऐसे लोगों के बारे में आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी स्किन को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, बेहतर में तो जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ये वाली जितनी मार्केट की, आज से ही उनको बंद करें, उनको बिल्कुल बंद करें, ताकि कम अज़ कम हो सकता है कुछ लोगों ने अभी इतना बैड इफेक्ट ना आया हो, मैं चाहूँगा वो आज से उसको बंद करके तो आज से कुछ मेडिकेटेड डॉक्टर के पास जाए, खुद ही उन्होंने करना, कहीं से कोई दवाई नहीं लेनी। डर्माटोलॉजिस्ट जो जो जिस सिटी में बैठे हैं सब जगह बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, किसी के पास जाएं और उनसे एक चीज कह रहे हैं प्रोसीजर नहीं को कराना, वो अब क्या करेगा ये क्या? अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, उनको उधर से हटाएगा और उनको कहेगा अच्छा अब डॉक्टर ने क्या किया, वो डॉक्टर सोचेगा कि मैंने तो एक नुस्खा लिख दिया और नुस्खे के बाद मरीज ने दवाई ले ली, मेरे जेब में सिर्फ क्या गया, मेरी छोटी सी फीस गई, डॉक्टर ये सोचेगा। अब यहाँ एक जो बुरी हरकत होती है जो मैं हमेशा जिसको कंडेम करता हूँ कि अब यहाँ डॉक्टर मरीज को काबू करेगा बचाए उसको बताने के, वो कहेगा नहीं मेरे पास प्रोसीजर्स है इसके करने के, ये गलत। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई जो गलत होती है, वो उसको एक पैकेज दे देगा, आजकल शुरू हुए पैकेज शुरू हुए कि जी आए हम आपको पैकेज देते हैं 2 लाख रुपए का, जिसके अंदर हम आपके प्रोसीजर्स करेंगे, हम की पीलिंग करेंगे, हम आपके ऊपर मास्क लगाएंगे, हम आपको ना इंजेक्शन लगाएंगे बुरा होने वाले, जो कि वबा फैली गई सबसे बड़ी वबा मैं कहूँगा बुरा होने वाले। चलें इस को इंजेक्शन को तो मैं अलहदा एक सेक्शन में दोबारा दूंगा कि इनका क्या इफेक्ट क्या रिजल्ट और क्या होता है। इस वक्त तक तो मैं ये बताऊंगा कि वो लोग जो इसमें फंस गए हैं प्लीज डॉक्टरों का कहना है मैंने किसी प्रोसीजर में नहीं जाना, पहले दिन कह दें अगर हक हलाल की कमानी है तो मुझे तो दवाई लिख के दें कि जिससे मेरा हो। प्रोसीजर्स का मतलब है अब यहाँ डॉक्टर ने भी वो घटिया हरकत शुरू कर दी, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं वो घटिया हरकत कर रहा हूँ, मैं अपने पहले आता हूँ, चलो मैं किसी का नहीं बात करता, मेरे पास एक मरीज है मैं उसको कहूँगा तो समझ लें आई एम डूइंग रॉन्ग, अब मैंने अपना आई एम नॉट नो मोर ए डॉक्टर नो, आई एम नो मोर ए मसीहा नो, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं बन गया हूँ क्या, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस मैन बन गया कि मैंने बिजनेस करना है आपके साथ, मैंने आपसे झूठ बोल के पैसे ले लिए हैं, आपको कहने कि आपको मैं ये कर दूंगा, और बेचारी हमारी औरतें, बेचारी जो घरेलू औरतें हैं या यंग बच्चियां हैं या बेचारे गरीब लोग हैं, और मुझे उन पर दुख सबसे ज़्यादा होता है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको जब हरे बाग दिखाओगे ग्रीन गार्डन दिखाओगे कि मैं तुम्हारा रंग ऐसा कर दूँगा चांद की तरह सफ़ेद हो जाएगा, तो वो तो बेचारे क्या करते हैं, मुझे बताते हैं लोग आके कि हमने अपने अपने अपना रिंग बेच दिया, हमने अपने जो थी जेवर बेचा कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी मैं पूरी हो जाऊंगी, और अब जेवर बेचने के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि वो भी गया रंग भी हो रहा होगा और बेड़ा गर्क हो गया मेरा सारा, आंसुओं से लोग रोते हैं इस चीज़ के बारे में आके। सो प्लीज प्लीज मैं बार बार एक चीज पे इंसिस्ट करूँ, बी ऑनेस्ट विद योर पेशेंट, बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, हक हलाल की करो, उसमें हैं चीज़ें हैं इम्प्रूव करने वाली, बेहतर करने वाली, अच्छा करने वाली, किसी प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना किसी ने, ये आज से अपने पहले बाद में मेरी बात। ठीक जी, तो सर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट इन योर ओपिनियन वर्क्स बेस्ट फॉर स्किन लाइटनिंग एंड आर कंसीडर्ड सेफ एज वेल, क्योंकि सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है तमाम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, अच्छा इंग्रेडिएंट्स के अंदर यह है कि जो मैंने बोले अभी काफी सारे बार बार मैं रिपीट नहीं वो करता हूँ सारे, या उसके अलावा भी और है, ये सारे एक केमिकल एक उसमें नहीं डलते, इनकी अगर एक में आप डालेंगे तो इनका स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहेगा, दवाई खराब हो जाएगी, आपको कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करनी है, फिर आप ये जो ये काम है कंपनीज का करती हैं समझे, इसी में अगर मैप लिया और साथ ही कोजिक एसिड लिया साथ नाइसिनमाइड लिया, ये कम्बिनेशन कहेंगे अच्छा यार हम इसमें बना के देखते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट आता है, फिर उसके ट्रायल्स होते हैं, याद रखें ये नहीं होता कि आपने दिया और मार्केट में फेंक दिया, जितना ये कॉस्मेटिक कंपनीज तो बनाती हैं अपने मार्केट में फेंक देती हैं, नोबडी टू आस्क देम, इसके तो फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले ट्रायल करती है, सारी फार्मास्यूटिकल देयर वेरी गुड कंपनी सारी हमारी माशाल्लाह ये ट्रायल्स करते हैं, हम डॉक्टर्स को ला के उसके लिए ट्रायल पैक्स देते हैं, हम लोगों पर करते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस दवाई का कैसा इफेक्ट, कई लोग हम उनको बताएंगे कि भाई इरीटेशन कॉज हुई, मैंने आपकी ये दवाई एक किसी लड़की को लगवाई और उसके चेहरे पे इरिटेशन रेडनेस आ गई, हम कहते हैं इसमें चेंज करो, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो जितने केमिकल्स हैं ये एक में नहीं डले होते, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ डिफरेंट अमाउंट में
डाले जाते हैं, तो उसकी इफेक्टिविटी देखी जाती है कि इसकी इफेक्टिविटी किसके साथ कैसी क्या बनती है. तो इट्स ए गुड कम्बिनेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ए गुड कम्बिनेशन शुड ट्राई. और वो क्या करेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम है वो करे और डॉक्टर को आके बताए कि मेरे इस कम्बिनेशन में ये चीज़ें हैं, इस कंसेंट्रेशन से हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमें कंसेंट्रेशन और जो है ताकि कोई इरिटेशन ना आए. अल्टीमेटली ये ना दवाई बन जाए, लाखों रुपयों की दवाई बन जाए और उसके बाद उसने इरिटेशन दे दिया मरीज को. तो इस चीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस थिंग. और उसमें जो फिर दोबारा मैं उसी पे आऊँगा कि जो मार्केटेड क्रीम्स हैं इनकी कोई रोकथाम नहीं है, इसके अंदर कोई कंसनट्रेशन नहीं है, जो मर्जी जितना मर्जी डाल दो. प्रॉब्लम ये लॉ नहीं है, इधर ग्रैप बना हुआ है, एक एसोसिएशन है जो आके देखती है, चेक करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को. उस साइड पे कुछ नहीं है, देयर इज नो लॉ. आप जो चाहे मार्केट में बना के, आपको मैं कहता हूँ आप अपनी क्रीम बना के मार्केट में कर दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है उसके अंदर. दिस इज द बैड पार्ट ऑफ इट कि जो कॉस्मेटिकल्स हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, दे आर फ्लोटेड इन टू द मार्केट. और इतनी फ्लूट है मार्केट के अंदर, आप चाहें तो रैक में 50 किस्म की है, 50 आपको आइटम्स बनेंगे उसके अंदर. और सस्ती चीज़ें हैं उन्होंने बनाई हुई हैं. और ये यहाँ मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ज़रूर इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए उन क्रीम्स के ऊपर कि देखो जो पॉइजनस हैं, एक किस्म का जहर खा रहे हो ना, तो ये आप जहर चेहरे पर लगा रहे हो. मैं ये कहना चाहूँगा. So, sir, is there any other cream or product that you prescribe to your patients along with the skin whitening cream? अच्छा, उसके लिए बिल्कुल. आपने खाली whitening cream के साथ जिसने आपने कहा other और क्या prescribe करेंगे? मेरे हर prescription के अंदर दो चीजें होंगी. अगर कोई शख्स मेरे पास आ रहा है कि जी मुझे रंग बेहतर करने के लिए डॉक्टर साहब मुझे पूछते हैं, तो मेरी दो चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है आपने जो भी क्रीम दी शाम को रात को, बेटा ये सारे चेहरे पे लगाओ, फुल फेस पे, और लेट इट बी देयर फॉर ओवरनाइट. सुबह के टाइम यू हैव टू वेयर सनब्लॉक, जिसे मैंने पहले बोला आपने सनब्लॉक लगाना है. अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जी हम चूं ही हम लगाते हैं कोई क्रीम ऐसी लगाते हैं तो हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है. तो उनको कहना है कि रात को अगर आपकी ड्राइनेस ओवर ड्राई हो रही है रात की क्रीम से, तो उसके ऊपर एलोवेरा या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर आपका किसी में जिसमें अच्छा मॉइस्चराइजर, जिसमें एलोवेरा के साथ डिफरेंट इमोलियंट्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं मार्केट में अवेलेबल है, कोई वो लगा सकते हैं. अच्छा, मॉर्निंग में लोगों का इतराज़ आता है कि हम जब सनब्लॉक लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे ना ब्लैकनेस आ जाती है, ऑयल आ जाता है. उनके लिए मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा कि वो लोग जस्ट मार्केट से जाके, अगर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना तो मार्केट से जाके एक सनब्लॉक वो लें. एक तो जो वाटर बेस हो, वाटर बेस सनब्लॉक आजकल जिससे अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, वाटर बेस. और रूटीन में एक एवरेज पे सनब्लॉक 60 SPF 60 होना चाहिए उसके अंदर एटलीस्ट, ये वाला, ताकि प्रोटेक्शन भी उतनी हो. तो ये उनको करना चाहिए. तो रात के लिए, दिन के लिए ये उनको इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्किन वाइटनिंग. आई होप कि आपके जवाब हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी मालूमात में इजाफा करेंगे. ओके, सो व्यूअर्स, नाउ विल मूव ऑन टू द लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहां हम देखेंगे कि हमारी ऑडियंस के क्या सवालात हैं. अच्छा सर, नेहा आरिफ खान पूछती है कि व्हाट वाइटनिंग क्रीम डू यू सजेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. अच्छा, अब देखिए दो चीजें उन्होंने बोली, उन्होंने कहा वाइटनिंग क्रीम और एक्ने प्रोन स्किन के लिए दो चीजें. सबसे पहले आपने एक्ने ठीक करनी है, याद रखें जो पिंपल्स उनके आ रहे हैं उसके लिए. अब पिंपल्स के लिए चले मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आने हैं मुझे पिंपल्स और ये उसके बाद पिगमेंटेशन के आ रहे हैं, तो मैं इन्हीं के क्वेश्चन से एक आपको कंप्लीट इसका आंसर दे देता हूँ. जो एक्नी है, पिंपल्स जिसको आम जबान में कील मुहासे कहा जाता है, अब इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आ चुका है. जिन बच्चियों के या बच्चों के चेहरे पे एक्नी पिंपल्स निकलते हैं एंड इट्स बीन देयर फॉर इयर्स एंड इयर्स, महीने क्या सालों साल हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि अब वो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो ट्रीटमेंट करें जिसमें आइसोट्रेटिनोइन एक जेनरिक है, आइसोट्रेटिनोइन वो दिया जाता है विद सर्टेन आपके बॉडी वेट देख के अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बॉडी, वो करें. 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, वो कैप्सूल्स में खाए जाते हैं जिससे आपकी अबाउट आप कह लें 70-80% और मोर देन दैट आपकी एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक्नी के जड़ पे जाके इफेक्ट करता है ये वाली दवाई जो मैं बता रहा हूँ. एक्नी के पिंपल का जो जड़ है, जो इसका रूट कॉज है, ये उसको जाके निचोड़ देता है समझ में, तो आपकी 70-80% एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. और फिर उन्होंने कहा कि जी अपना आगे उसके निशान जो रह जाते हैं एक्नी के, तो इसलिए
एक्ने जब खत्म होगी तो अपने निशान छोड़ती है। उसके लिए यही जो मैं क्रीम अभी बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रीम्स। इनमें से कोई एक क्रीम आपको डॉक्टर देगा, आप जहाँ जाएंगी वो डॉक्टर आपको क्रीम साथ देगा विद दिस कम्बिनेशन, तो उसमें ताकि जो जो आपकी एक्ने ठीक हो रही है साथ में आपके निशान और आपका कम्प्लेक्शन भी हेल्दी होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप बाद में शुरू करेंगे तो एक्ने के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, स्कार्स पड़ जाएंगे, गढ़े पड़ जाएंगे, फूटे पड़ जाएंगे, डीप हो जाएंगे। एक दफा स्कार पड़ गया एक्ने का, जिसको गढ़ा कहा जाता है, कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। आप उसको बेहतर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो स्कार्स को। स्कार्स एक दफा आ जाए सब झूठ बोला जाता है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक डॉक्टर्स हमारे जो करते हैं चीज कहते हैं कि जिन स्कार्स को बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपकी स्किन दोबारा एक नीट जैसे पहले थी वैसे, करते ही ऐसी बात नहीं है। स्कार एक दफा बन जाए कभी खत्म नहीं होता, बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सटल हो जाएगा, खत्म कभी नहीं होता। ये एक्ने के स्कार्स अगर बन जाए तो बजाय स्कार्स पड़ने का, जिस लोगों को पिंपल्स एक्ने है वो पहले दिन अपना ट्रीटमेंट कराएं। जरूरी नहीं है कि 6 महीने वाला होगा, हो सकता है कि शुरू की एक्ने है, चंद दिनों की है, वो खाली लगाने से, ट्यूब्स क्रीम्स लगाने से वो ठीक हो सकती है। वो तो मैं वो बता रहा हूँ कि जिनकी क्रॉनिक हो जाए, बहुत ज्यादा एक्ने हो जाए, उसके अंदर वो खराबी पैदा होती है। जी अच्छा, दूसरा सवाल है, हानिया तारिक पूछती है, डज इवन टोन सी क्रीम कॉजेस एनी रिएक्शन? अच्छा, अब जिस तरह इन्होंने, क्योंकि आप क्रीम का नाम बोल रही हैं तो मुझे बताना है, बहुत अच्छी क्रीम है, जिस तरह मार्केटेड की क्रीम है, इट्स ए वेरी गुड क्रीम, कंपनी बहुत अच्छी है, क्रीम बहुत अच्छी है, और कोई इसका अच्छा। अब उन्होंने कहा कि एनी रिएक्शन, यहाँ मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कहता हूँ नहीं, हम भी लिखते हैं इस तरह की क्रीम, सारी लिखी जाती हैं, करते हैं। अब उनका एनी रिएक्शन आपको यह मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स मेरे पास आता है, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं मुँह हाथ देता हूँ या नहाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, तो अब क्या है? वो जो एलर्जी उसको हर वक्त नहाने से हो रही है, हम पूछते हैं भाई किसी गर्म पानी से, ठंडे पानी से, वो कहते हैं कुछ नहीं, आम टैप वाटर से नहाता हूँ तो मेरा जिस्म लाल हो जाता है। दिस इज एक्वाजेनिक प्रूराइटिस और एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, यानी कि आम पानी में आपने तो आम, ये तो फिर भी केमिकल्स हैं दवाइयों के अंदर, आपने आम पानी से मुंह धोया नहाए उससे आपको एलर्जी हो गई। जब वो एलर्जी पानी कॉज कर रहे हैं, एक आम सिंपल चीज, तो आपको तो कोई भी दवाई एलर्जी कॉज कर सकती है। मैं कोई या कोई भी डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है, खुदा ना खास्ता, कोई भी दवाई आपको एलर्जी कॉज कर सकती है, सब में केमिकल्स डले हैं नेचुरली, वो स्किन को जाके लगते हैं। कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कईयों की इतनी हार्ड होती है स्किन, क्योंकि कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी दवाई दें तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, और कईयों की इतनी ऐसी स्किन है जिसका हम अभी जिक्र भी करें कि उसमें जो ही वो लगाएंगे तो उनको एलर्जी कॉज हो जाएगी, फिर हमें वो दवाई बंद करनी है। इसे कोई आपकी वाइटनिंग क्रीम जो आप लेते हैं, डॉक्टर भी अगर कोई देता है तो कल को वो रिएक्ट कर सकती है। अगर कोई रिएक्ट करे आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर उसको चेंज करेगा, उसमें दूसरे, जैसे हमने पहले बताया था कि हर एक में मुख्तलिफ इन्ग्रीडियंट्स डले होते हैं, वो आपको दूसरे इन्ग्रीडियंट्स देगा कि वो रिएक्ट ना आपको करे। जी प्लीज। इमराना पूछती हैं, आर दीज AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट इफेक्टिव फॉर स्किन ब्राइटनिंग? अच्छा जी, अब ये जितने AHA BHA ग्लाइकोलिक एसिड या और जितनी पील्स, ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड पील्स हैं, TCA वगैरह, ये सारी पील्स हैं। अच्छा, पील ने करना क्या है, यहाँ मैं इनको क्लियर करना चाहूँगा। पील क्या करती है, आपने चेहरे पे एक ये केमिकल लगाया, इसे पीलिंग एजेंट है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स डले होते हैं। उन्होंने स्किन की टॉप लेयर, हमारी जो स्किन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकटेनियस टिश्यू। जो एपिडर्मिस है टॉप लेयर, इसकी फर्दर 5 लेयर्स होती हैं। जो टॉप की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्निया, जो डेड सेल्स की लेयर है, डेड टिश्यू, वो खुद उतर जाती है, वो 28 दिनों के अंदर रिपेयर खुद हो जाती है। अब आपने क्या किया, आपने जब पीलिंग एजेंट आपने लगाए, आपने वो उतार दी, लेयर ऊपर से उतार दिया, एक नीटनेस आ गई। इसने बुरा नहीं करना, ये बात है, इसने कोई बुरा नहीं करना, एक नीटनेस लानी है चेहरे के ऊपर, कि चेहरा आपका नीट होना, उसे होना है वक्ती तौर पे। अब क्या करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये केमिकल्स का, आप जब पीलिंग करते हैं तो यूजली पेशेंट्स को रिएक्शन आता है, क्योंकि इसमें एक किस्म के लाइटर सॉर्ट ऑफ एन एसिड्स डले होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं,
उसी वक्त लाल स्किन आपके चेहरे पे उभर जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी आपके चेहरे के ऊपर, आपको फौरी तौर पे उतारनी पड़ती है वो पील। इसे कभी आपने पील खुद नहीं करनी, डॉक्टर ने भी करनी तो बहुत ध्यान से करें। टाइप 4 स्किन हमारी जो टाइप है जिसमें हम लोग फॉल करते हैं, हमारी स्किन में बहुत जल्दी जो गंदगी रंगत है उस पर तो पील खराबी की तरफ ले जाएगी। आप बजाय ठीक होने के पिगमेंट आ जाएगा, स्याही पड़ जाएगी चेहरे के ऊपर, आप और ज्यादा खराबी की तरफ चले जाएंगे। इसे पीलिंग अवॉइड करें, इस चीज के पीलिंग में कोई रंग नहीं को रखना। वक्ती तौर पे एक सिर्फ वो जो लेयर है मैं बता रहा हूँ उसको इसने करना, पील ऑफ करना है। उसके अलावा कोई पीलिंग का कोई इफेक्ट रिजल्ट डिलेड नहीं है, कोई लंबा इफेक्ट नहीं जाना कि हम कहें कि भाई आज आपने पील कर लिया तो बस अब आपका काम पूरा हो गया, क्यों उसने कुछ नहीं करा। वक्ती तौर पर आपका इफेक्ट आना है, उसके बाद ठीक है आप जो दवाई लगाएंगे उसका एक इफेक्टिविटी आएगी उसके अंदर, मगर एज सच पीलिंग ने कोई मैजिक नहीं करना। ठीक है सर, समर जावेद पूछती हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर स्किन वाइटनिंग फॉर द स्किन हैविंग पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। ओके, अच्छा अब वही बात है, नेचुरली अच्छी बात है, बार बार कुछ रिपीट भी होंगी, कुछ मैं नई भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, अब देखें उन्होंने कहा वाइटनिंग भी, वाइटनिंग तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया कि लुक बेहतर होने के लिए, अब दो उन्होंने चीजें और एक्स्ट्रा ऐड की हैं, एक तो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स। अब ये अलग अलग दो चीजें, पिगमेंटेशन का क्या मतलब, चेहरे पे छाइयां पड़ जानी, अगर किसी के चेहरे पे छाई पड़ जाए नाक पे, चेहरे पे, बटरफ्लाई एरिया पे, कहीं पर भी, ज्यादातर फीमेल्स में आती हैं। और फीमेल्स में क्यों आएंगी, प्रेगनेंसीज हैं, डिलीवरीज हैं, साइक्लिक चेंजेस हैं, हॉर्मोन्स हैं, आपके लॉस ऑफ आपके ब्लड है बॉडी के अंदर से, आयरन के लेवल्स कम है, सीरम फेरेटिन लेवल, ये बहुत आयरन लेवल नहीं, सीरम फेरेटिन लेवल अगर कम हो गया बॉडी के अंदर, जो कि स्टोर्ड आयरन होता है इसको कहते हैं सीरम फेरेटिन लेवल, वो कम हो गया। इसे बहुत रीजंस हैं, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा है प्रेगनेंसीज डिलीवरीज के बाद ये चीज़ें। एक दफा अगर पिगमेंटेशन आ गया, मेलाज्मा आ गया, जिसको मेलाज्मा कहते हैं पिगमेंटेशन, वो छाइयां पड़ गई, पहली बात तो याद रखें कि ये वो चीज़ है कि जो हम बताते हैं कि आप इसको बेहतर कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, छाई को खत्म नहीं कर सकते, हमें मेंटेन करना है इसके लिए दवाइयों के साथ। अब कौन आकर, अब आजकल लोग कहते हैं जी लेजर कर लो, पिको लेजर है, ये आपकी ब्लीचिंग होगी, आपके अपना कोई आपने माइक्रोडर्मेब्रेशन करना है, या कितने कुछ वही बातें अभी जो हम पहले कर रहे थे। अब इसमें मीजोथेरेपीज की जाती है, बहुत हमने की मीजोथेरेपीज की, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस ट्रीटमेंट के अंदर, कुछ अर्से के बाद दोबारा तो सब कुछ वापस आ जाता है। इसलिए ये वो प्रोसीजर्स हैं कि जिससे ख़त्म नहीं होना, ये आप याद रखो, बेहतर हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, कम हो जाएंगे आपकी, यही जो मैं मेडिकेटेड दवाइयाँ बता रहा हूँ कि आप पिगमेंटेशन के ऊपर लगाएंगे वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर देते हैं, जरा ऐसी कि जो ज़्यादा इफेक्ट अच्छा करे वो हम देते हैं, जिससे क्या होगा आपके पिगमेंटेशन जो है, जो निशान है, बेहतर हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप कहें कि मैं आपको 6 महीने करके छोड़ दूँ तो नो, ये सब कुछ लौट के वापस आ जाएगा, क्यों, इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक किसको कहते हैं, अननोन रीजन, नॉट नोन कॉज, एटियोलॉजी नॉट नोन। हमारे एक सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स, जहाँ पर से अननोन रीजन से एक मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मेलेनोसोम्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं विदाउट रीजन। अब वो क्या है, क्योंकि जिस चीज़ की जड़ का नहीं पता आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जिसका मैंने कहा एक्नी पिंपल्स की जड़ का पता है, आप जड़ को एक पौधा है, आप उसकी जड़ काट देते हैं पौधा खत्म हो जाएगा, जिसकी जड़ नहीं पता तो वो तो ऊपर फिर उगता आएगा। तो इसी ये भी वही एग्जांपल दे रहा हूँ, पिगमेंटेशन जो छाई है, डार्क स्पॉट्स हैं, ये एक दफा आ जाए कभी खत्म नहीं होते, आपको इनके लिए मेंटेनेंस थेरेपी पर जाना है, सारी जिंदगी आपको कोई ना कोई दवाई ऑन एंड ऑफ लगानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें परहेज, जो आपका धूप का है, या आपको हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, या और कोई स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें आती हैं, आपको अपनी हैबिट्स ठीक करनी है इस चीज़ के लिए विद मेडिकेशन। खाली मेडिकेशन नहीं करेगी, अपनी हैबिट्स को ठीक करें, अपनी लाइफ साइकिल को, लाइफ जो है उसको ठीक करें उसमें। सर अगला क्वेश्चन है मानू जहरा का, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू माय फ्रेकल्स, आई वांटेड टू नो दैट इज लेजर दैट इफेक्टिव फॉर फ्रेकल्स, इज इट 100% द सॉल्यूशन फॉर गेटिंग रिड ऑफ देम कम्प्लीटली, और इज देयर एनी अदर क्रीम दैट ग्रेजुअली ट्रीट्स इट फॉर गेटिंग क्लियर स्किन और गेटिंग रिड ऑफ इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा इस सेंस में
कि ये आई ओपनर है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि फ्रैकल्स वो चीज़ें हैं तो जो आप देखें हर शख्स दूसरे शख्स को फ्रैकल्स होते हैं चेहरे के ऊपर, जितनी बुरी रंगत है उससे फ्रैकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के उनके अंदर। एक दफ़ा फ्रैकल बन जाए फ्रैकल कभी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन बीच में डाला है कि जी लेजर्स क्या इसके लिए हैं या फिर कोई और चीज़ें जो इसको बेहतर कर सकें। सबसे पहले मैं लेज़र पे आऊँगा, बिल्कुल इसकी लेजर्स अवेलेबल है मार्केट में की जाती हैं, मगर एंड ऑफ द डे पे रिजल्ट क्या है, ज़ीरो, वापस सारे फ्रैकल्स आते हैं। इसलिए वही बात आ गई कि या तो डॉक्टर पहले दिन बताए कि आपके जो फ्रैकल्स हैं ये एक लाइट होंगे जो मैं करूँगा उससे वापस दोबारा आ जाएगा। अब क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं बताएंगे क्योंकि उनको लेज़र से पैसे कमाने हैं, फ्रैकल कभी ख़त्म नहीं होता, ये इनको भी इनको मानव को भी नोट करना चाहिए और बाकियों को भी नोट करना चाहिए। फ्रैकल जाएगा नहीं कभी, बेहतर हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ख़त्म कभी नहीं। कोई लेज़र, कोई पीलिंग, कोई प्रोसीजर, कोई मेसोथेरेपी, किसी से फ्रैकल्स कभी ख़त्म नहीं होते। अननोन रीज़न की वजह से चीज़ आ रही है, ये भी वही एडियोपैथी का अननोन रीज़न की वजह से। मगर अब आखिर फ्रैकल आ गए, हम कर क्या सकते हैं इसमें, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। वही बात आ गई कि मैं कहता हूँ लफ्ज़ों का चुनाव करो, हम उसको बेहतर कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट क्रीम्स हैं कि जो आप लगाएंगे फ्रैकल्स के ऊपर जिससे बहुत बेहतरी आएगी क्रीम्स की, तो बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके लाइट हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। आपको मेकअप करना है, आपको उसको कैमोफ्लाज करना है, यही कर सकते हैं उसके अंदर, तो ट्रूली ख़त्म हो जाए, फ्रैकल कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मा फैसल का, कैन पिगमेंटेशन कंप्लीटली गो 100%? ओके, अब बड़ा ही फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देखो ना कि 100% उन्होंने बोला कि क्या कि पिगमेंटेशन का मतलब छाइयां, निशान, दाग धब्बे, अगर ये बन जाए तो क्या ये 100% खत्म हो जाएंगे? कभी भी एक दफ़ा पिगमेंटेशन आ जाए, जैसे हम पहले बता रहे थे पिगमेंटेशन की तीन किस्म की आती है, एक होता है डर्मल जो डर्मिस में डीप गई होती है, एक होता है मिक्स जो एपिडर्मल डर्मो एपिडर्मल होता है, और एक होता है एपिडर्मिस अपर लेयर के अंदर होती है। जो तो अपर लेयर वाली पिगमेंटेशन है वो तो आपकी पिगमेंटेशन विद मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने वो देते हैं अफेक्टिविटी वहाँ तक गई और टायरोसिन इनहिबिटर है उस जो एक टायरोसिन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि आगे फर्दर चेंज करके यहाँ पर मेलानिन से मेलानोसोम्स को मेलानिन प्रोड्यूस करता है, ये उस चेन को रोक देता है उसके अंदर। अब जब वो चेन रुकेगा तो आपके जो सुपरफिशियल हैं, ये जितनी आपकी पिगमेंटेशन सुपरफिशियल वाली, ये तो आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। जहाँ डीप या मिक्सड आ रहा है, आपका डीप मेलास्मा आ रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैं पहले बता रहा था, आपको फॉर एवर कोई ना कोई आपको मेंटेनेंस के लिए, आप उसको बेहतर कर लोगे, लाइट कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे, जो ही आप छोड़ेंगे सब कुछ वापस आ जाएगा। इसलिए आपको अपनी हैबिट्स भी ठीक करनी है उसके लिए, और साथ जो दवाई आपको डॉक्टर ने दी हुई है आपको ऑन एंड ऑफ वो दवाई लगाए जानी है। आप समझ लें, कभी होता है कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं, 3 दफ़ा लगाएं, मेंटेनेंस के लिए आपको वो क्रीम्स लगानी है ताकि पिगमेंटेशन दोबारा उस शिद्दत से लौट के ना आए। आपने तो उसको सिर्फ काबू किया हुआ है, कैमोफ्लाज किया हुआ है आप उसको, ताकि उस बुरी हालत में दोबारा मरीज ना आए। इसलिए आपको सारा हमेशा ये लगाना है, कोई ना कोई चीज़ लगाई जानी है उसको। अच्छा सर, यहाँ मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी कि जब भी सवाल था ये डॉक्टर फैसल आरिफ खिलजी की तरफ से आया था आपके लिए, तो ओके चले खैर, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल माशाल्लाह बाय हिमसेल्फ इज द ग्रेट डॉक्टर ओवर देयर, माशाल्लाह कराची का, ही तो वन ऑफ द बेस्ट वन, बाकी लोगों के साथ जैसा बाकी लोग हैं तो माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड। और मुझे एक खुशी हमेशा एक होती है फैसल के बारे में कहना चाहूँगा कि ऑल वेरी एथिकल, वेरी वेरी एथिकल प्रैक्टिस फैसल, एंड लाइक डॉक्टर अफजाल लोधी हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर बदर हैं, इनके वेरी ऑल दे डू वेरी एथिकल प्रैक्टिस, ये मुझे पसंद आ कि दे ऑल आर लाइक दिस, कभी इन चीज़ों में नहीं जाएंगे कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो इसलिए हमेशा, और अच्छी बात है, इसे देखें बरकतें कितनी हैं इन सब के साथ में, कहूँगा क्या नाम है लोगों के, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इमराना की तरफ से, हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन? अच्छा, स्किन जो होती है, याद रखें आप ये स्किन इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, आप याद रखें जेनेटिकली आती है स्किन, एक दफा आपको जो आ गई तो सारी जिंदगी वो स्किन आपकी रहेगी।
आपकी अगर ऑयली स्किन पेरेंट्स से आई है तो ऑयली रहेगी, ड्राई है तो ओवर ड्राई हो जाएगी, वो आपको स्किन इनहेरिटेंस के अंदर मिलती है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते स्किन की टाइप को। अल्लाह ताला ने जो आपके जीन्स में चीज डाल दी है, अगर आपके बाल कर्ली हैं सारी जिंदगी नीचे से जो रूट इसकी कर्ली रहेगी वो चेंज नहीं हो सकती, वो तो वक्ती तौर पे आप उसकी बॉन्डिंग कराए तो जो भी है। इसी तरह स्किन में भी आपको जो अल्लाह ताला ने एक दफा टाइप ऑफ स्किन दे दी है सारी जिंदगी आप उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ऑयली स्किन है, फेस बहुत ऑयली होता है, आजकल मौसम ये चेंज होने लगा है, ये सारा ये जो आपका बरसात गर्म गंदा मौसम बरसात का, तो आप ऐसे फेस वॉशेज यूज करते हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं। आप उसके अंदर कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं, ये जो हम एंटी एक्ने क्रीम टैबलेट्स बता रहे हैं कैप्सूल्स आइसोट्रेटिनोइन, ये ऑयलीनेस को कम करते हैं। खत्म आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि जो जेनेटिकली चीज आ गई वो हमेशा आपके अंदर रहेगी। मगर यहाँ बताना चाहूंगा जिनकी ड्राई स्किन है, याद रखें सर्दियों में वो ओवर ड्राई हो जाएगी उनकी स्किन, दे हैव टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, सम एमोलिएंट, सम हेवी किस्म का, कभी कभार बड़ा हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एमोलिएंट मॉइस्चराइजर, बाइट्स ऑफ पैराफिन देनी पड़ती है, पैराफिन मॉली फ्लेवर देना पड़ता है उसके अंदर। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्किन के, उसके मुताबिक फिर हमें उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना। सर बस ये आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं अबीरा आसिफ की तरफ से, हाउ लॉन्ग फॉर द वाइटनिंग क्रीम शुड बी यूज्ड? चलें क्योंकि क्वेश्चन भी आखिरी है और लॉन्ग भी हो गया, और ये समझ लें कि आपका ये सारी जिंदगी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपने ऑन एंड ऑफ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपने जब कम्प्लेक्शन बेहतर हो गया किसी का भी, द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, सारा अच्छा हो गया, आपने डेली नहीं वो क्रीम्स लगानी, आपने उसको ओकेजनल लगाना है, समझे? आपने आज लगाया, दो दिन बाद फिर लगा ली, फिर तीन दिन बाद फिर लगा लिया, आपने देखा कि अब मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रेस थे, हॉर्मोन्स की चेंजेस हैं, साइक्लिक चेंजेस हैं, और रीजन्स कुछ और भी रीजन्स बन सकते हैं। अगर दोबारा पिगमेंटेशन या ज़्यादा आपके हो रहे हैं चेहरे पर, वो जो जितना इफेक्ट आया था वो चला गया, तो आपको रोज़ाना भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर ये लाइफ लॉन्ग इस सेंस में बनती है कि आपने उसको मेनटेन करना है। पिगमेंटेशन एक दफ़ा आ जाए, छाई वगैरह कोई चीज़ या तिली बन जाए जैसे हम बता रहे हैं, ख़त्म कभी नहीं होगा। आपको इसको मेंटेन करना है, आपको सारी जिंदगी कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, मगर प्लीज़ फिर एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा, वो प्रोडक्ट जिसका साइड इफेक्ट कोई ना हो, जो एक मेडिकल कंपनी FDA अप्रूव फार्मास्यूटिकल कंपनी दे रही है विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, गो टू अ गुड डॉक्टर, गो टू आपके जितनी जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, FDA कराची इस्लामाबाद, कहीं आने की, कहीं मेरे पास आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी वही क्रीम्स आपको लिखनी है जो बाकी लोग लिखी है, बट वन हैज टू बी, प्लीज आखिर में फिर एक मैसेज देना चाहूंगा, बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। और एक चीज जो मैं भूल गया, थोड़ा सा मैं यहाँ एंड पे कहना चाहूंगा, जो मेरा हर प्रोग्राम हर जहां मैं चैनल पे भी जाता हूँ जरूर कहता हूँ, जो इंजेक्शन हैं, ये एक किसी का क्वेश्चन नहीं आया, वाज वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, कि जो रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन हैं ये ग्लूटाथियोन है। जस्ट एक मिनट लूंगा, ग्लूटाथियोन क्या चीज है? ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल सादे लफ्जों में बताऊंगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन से सेल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ने क्या किया, ग्लूटाथियोन ने क्या किया, हमारे सेल में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वो जो ऑक्सीडेशन के बाद बन रहे हैं, इसने उनको फ्री रेडिकल बनने से रोका, जो फ्री रेडिकल ने जाके हमारे सेल को डैमेज करना है इसने उसको रोका। इट इज वेरी गुड थिंग, ग्लूटाथियोन बहुत अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके लिवर, लंग, स्प्लीन, हार्ट, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेल की रिहैब करती है। आपका रंग गोरा करने में तो मार्जिनल इफेक्ट है इस चीज़ का, प्लीज़ बंद करें इस चीज़ को कि लोगों को झूठ बोल के दो दो लाख रुपए, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और एक बताए, हेल्दी करेगा, बेहतर करेगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बेहतर होगा, टिंज आएगी, थिंग्स वुड इम्प्रूव। मगर जिस तरह बंदा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे डेढ़ दो लाख रुपए लगा दिया तो मेरा तो चांद जैसा चेहरा बन जाएगा, तो उसके बाद पेशेंट रोता ही रहेगा कि जी मेरे साथ हुआ क्या मेरे साथ। तो इसलिए प्लीज फिर एंड पे कि बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, ऑनेस्टली से चलें, अल्लाह ताला इतनी बरकत डालता है, जैसे मेरे सब दोस्तों की जैसे मैंने जिक्र किया, इतनी बरकत है सब की, माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें, तो इसी लिए सबको भी, जितने और भी मेरे कॉलीग्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरे दोस्त सब सुन रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि मरीज तो एक मरीज है, वो तो मसीहा के पास आया है, हमें मसीहा रहना चाहिए, हमें नहीं बुचर बनना चाहिए। मसीहा बन के हम चलेंगे तो बस हमारी आखिरत बहुत अच्छी होगी। रिमेम्बर द आखिरत। थैंक यू वेरी मच।
Wonderful, sir. So just one last question. Abid Hussain puchte hain, only my cheeks are very dry and irritated. What cream to be used to resolve this? हाँ, resolve it. अच्छा, उसके लिए तो simple हम कहेंगे, any moisturizer बाजार से कोई emollient moisturizer आप ले लें, और जिसमें aloe vera हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो उसमें aloe vera is used as an antioxidant also. तो आप कोई भी ऐसी cream लेके बाजार से, कोई अच्छा moisturizer, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल सस्ता मॉइस्चराइजर होना चाहिए, वो आप लें, लगाएं. उससे ये है कि आपकी जो ड्राइनेस आ रही है, ओवर ड्राई स्किन हो रही है, वैसे तो अब ये मौसम चेंज हो रहा है, इसके अंदर तो हमें कोई जरूरत ही नहीं होती किसी मॉइस्चराइजर की, किसी क्रीम की. और इतना क्योंकि हमारे खुद ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी के अंदर से, सेबेशियस ग्लैंड इतना प्रोड्यूस कर, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए उसमें उनको जस्ट सिंपल कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दें, फिर वर्क फॉर. Okay, great. Well, it's time to wrap up the session. Thank you to our audience for joining us today, and special thanks to Dr. Ali Kasmi for giving us some of his time and providing us an opportunity to learn a great deal about the concepts and different perspectives related to skin whitening. Thank you so much for watching, and follow our page for more live sessions on different cosmetology and dermatology related topics. हम उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी सवाल के जवाब आपको मिले होंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी. यू कैन ऑल्सो इनबॉक्स अस योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.